गया फुक गया। यार मेल और फीमेल और क्या हो तुम उसको समझाओ हमें। ऐसे 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 ड्यूड होते हैं। ए टू जेड तेरे सारे यार जट्टे आ। ओ जट्टा वाले दिल जट्टा वाली मत आ। बड़े बड़े एक्टर भी मेरी कॉपी करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे टिकटॉक इतना फेमस सेलिब्रिटी बना देगी कि लोग मेरे साथ तस्वीर बनाने के लिए अब डरते हैं कि मेरे साथ सेल्फी बना लें। मैं वैसा करूंगा तेरी हर जिद को पूरा करूंगा। कहते हैं ना कि उमराव ये मुजरा करेगी तो इस कोठे को शोहरत मिलेगी और शोहरत ही दौलत का सच चश्मा होती। टिकटॉक एक ऐसी ऐप है कि एक गरीब बंदा जो है ना अपना टैलेंट जो है ना वो दिखाता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। जो इनोसेंट पढ़े लिखे लोग हैं जो हाई फाई लोग हैं ट्रांसजेंडर को लाइक नहीं करते थे कभी उन पर उनकी गौर नहीं थी ये टिकटॉक के बहाने से उन पर उनकी नज़र भी हम पर पड़ गई है। मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की बस टिकटॉक यूज़ करती हूँ बस फट से ऐसे मोबाइल पकड़ा मुझे वीडियो अच्छी लगी ऐसे शुरू। फोन जी ने मैंने बदतमीजी की थी ना तो फिर वेखियो मेरे तो बुरा नहीं होने लगा। चावल जान दे अगर धमाकेदार मैं अपनी वॉइस पे बनाऊँ ना तो लोग मुझे बहुत ज्यादा देख इस तरह की बनाता हूँ कि देखने वाला को ऐसा लगे कि यार ये नेचुरली ऐसे हुआ है बिल्कुल हकीकत है। फनी वीडियो ज्यादा बनाए तो वो वायरल होती हैं, वो अच्छी लगती हैं लोगों को ज्यादा। 2 करोड़ रुपया कह रहे थे सन फायर मार देंगे। अच्छा जी नहीं मार दे। टिकटॉक बना लड़कियां लड़के मर्द औरत बुजुर्ग बच्चे सब आ गए और जब हम आए तो नीचे कमेंट्स आ गए लो जी इनकी कमेंट। हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह तो मुझे उस पर हंसी आती है लिख कौन रहा है जो खुद देख रहा है। हिंट पता है किस बात पर करते हैं कि ये डांस करते हैं ये गलत बात है तो ये मेरा प्रोफेशन है एक तो उनको इसमें क्या इशू है। कोई बंदे कहते हैं कि यार ये दाढ़ी रखकर आप ये कर रहे हो मेरी वजह से मैं कहता हूँ कि लोग ये सोचते होंगे कि यार हर दाढ़ी वाला जो है ना एक वो सख्त नहीं होता। फीमेल हो क्या हो तुम कुछ तो समझाओ हमें भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंसान समझ लो बहुत समझ आता है ना। कभी भी कहीं भी मेरे फील्ड के लोग मिलते हैं तो वो मेरा बड़ा थैंक्सफुल होते हैं मेरे लिए मुझे इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि महक हमें जो है ना आपकी वजह से बहुत ज़्यादा ना माशरे में इज्जत मिली है रिस्पेक्ट मिली है। काफ़ी पब्लिक के जो है ना कमेंट्स आए हैं कि हमें आप जैसे मौलवी और चाहिए। मुझे ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से जो है ना ऑफर मिली थी एक फिल्म के लिए लेकिन वो मेरे टाइप की नहीं थी जिस वजह से वो मैं नहीं कर सका। अगर फिल्म का काम मिला तो ज़रूर करूँगी और वो भी मेन पर। बस मैं ये कहती हूँ कि मुझे किसी मॉडलिंग में काम मिल जाए और जहाँ किसी ड्रामे में मिल जाए। ये नहीं कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मेरे पास रिंग्स नहीं है वो भी लेना चाहती हूँ मैं अच्छा मोबाइल भी लेना चाहती हूँ और मैं लोगों को फिर दिखाऊंगी कि यार ये टैलेंट होता है।